हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी हेल्दी एंड हैप्पी होंगे। मैं ऑप्टोमेटिस्ट नेहा यादव आपका स्वागत करती हूं हमारे यूट्यूब चैनल rgcsk.edu में। मैं आपके लिए लेकर आई हूं आज एक नया लाइव वीडियो सेशन जिसका टॉपिक है बाइनोकुलर सिंगल विजन, इन शॉर्ट BSV, यानी कि द्विनेत्र एकल दृष्टि। तो बिना किसी देरी के हम शुरू करते हैं अपना टॉपिक। हम बात करेंगे सबसे पहले बाइनोकुलर सिंगल विजन के बारे में। हम सभी के पास दो आंखें हैं, जब दो आईज हैं देन दो रेटिना और दो ही फोबियाज। तो जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट को देखते हैं तो हमारे दोनों रेटिनाज क्या होते हैं, स्टिमुलेट। दोनों फोबियाज क्या होते हैं, स्टिमुलेट। और जब दोनों फोबिया स्टिमुलेट होंगे तो दोनों ही आईज पर अलग अलग इमेजेस फॉर्म होती हैं। जब अलग अलग इमेजेस फॉर्म होती हैं तो हमें दो इमेजेस दिखनी चाहिए, पर हम एक ही इमेज को देखते हैं। तो ये हमारी आंखों की क्षमता है, और ये दो इमेजेस होने के बाद भी हम एक इमेज को देख पा रहे हैं, इसी को हम कहते हैं बाइनोकुलर सिंगल विजन। अगर हम नॉर्मली बात करते हैं, हम इस स्टिक को देखते हैं, जब हम इस स्टिक को देख रहे हैं तो हमारी राइट आई का जो रेटिना है फोबिया है वो स्टिमुलेट हो रहा है। जब हम लेफ्ट आई का भी रेटिना फोबिया हमारा क्या हो रहा है, स्टिमुलेट हो रहा है। बट एट लास्ट हमें एक ये सिंगल इमेज दिख रही है जब हम इस पर फोकस कर रहे हैं, तो इसी को कहते हैं बाइनोकुलर सिंगल विजन। अगर हम डेफिनेशन की बात करते हैं तो बाइनोकुलर सिंगल विजन इट इज अ कोऑर्डिनेशन यूज ऑफ बोथ द आईज टू परसीव अ सिंगल मेंटल इंप्रेशन इज नॉन एज बाइनोकुलर सिंगल विजन। और वी कैन ऑल्सो से दैट व्हेन अ नॉर्मल इंडिविजुअल focuses on a object of regard, then both the phobia of both eyes get stimulated, but at last the individual perceives a single image and that's known as binocular single vision. अब हम बात करेंगे हमारे binocular single vision के grades के बारे में, यानी कि कुछ हमारे आँख के पास कुछ ऐसी क्षमताएं हैं जिसकी वजह से हमें वो दो images एक single perceive होती है। तो ये थ्री grades हैं, जिसमें कि हमारा पहला grade है simultaneous perception, second one is fusion and third one is stereopsis. तो सबसे पहले हम बात करेंगे हमारी पहली grade, that is simultaneous perception. Simultaneous means क्या होता है, जब भी कोई चीज एक साथ हो रही हो, एक at a time हो रही हो, दो अलग अलग चीजें, ठीक है। Perception means क्या होता है, किसी भी चीज को feel करना, उसका उसको महसूस करना, perceive करना उसको, ठीक है। तो simultaneous perception। अब यही अगर हम बात करें कि हमारी हम किसी भी ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं, हमारी आईज दो अलग अलग ऑब्जेक्ट को देख रही हैं, राइट आई एक अलग ऑब्जेक्ट को देख रही है, लेफ्ट आई एक अलग ऑब्जेक्ट को देख रही है, बट एट लास्ट जब वो इमेजेस सुपर इम्पोज्ड हो जाएंगी तो उसे हम बोलेंगे साइमल्टेनियस परसेप्शन। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास यहाँ कुछ स्लाइड्स हैं, ये सिनेप्टोफोर स्लाइड्स हैं। ये तीनों ग्रेड्स जो हैं हम सिनेप्टोफोर एक ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है उस पर परफॉर्म कर सकते हैं। उसी की ये कुछ स्लाइड्स हैं हमारे पास, इसके थ्रू आपको समझाते हैं। लाइक ये हमारे पास एक होम है एंड गर्ल, ठीक है। हमारी राइट आई इस होम को फोकस कर रही है और हमारी लेफ्ट आई इस गर्ल को, ठीक है। तो जब हम इसको हमारा आई में साइमल्टेनियस परसेप्शन होगा, बायनोकुलर सिंगल विजन का ग्रेड अप्लाई होगा, तो हमें क्या दिखेगा कि ये जो गर्ल है ये इस हाउस के अंदर है, यानी क्या हुआ, सुपर इम्पोजिशन ऑफ द इमेजेस। और ये दोनों इमेजेस हमें कैसी दिखी, एक साथ में, यानी कि गर्ल इनसाइड द हाउस। और यही है हमारा साइमल्टेनियस परसेप्शन, यानी कि दो डिफरेंट इमेजेस का हमारा एक सिंगल इमेज सुपर इम्पोजिशन हो जाना इमेज का, उसे हम कहते हैं साइमल्टेनियस परसेप्शन। अब आप देख के तो समझ ही गए होंगे कि जरूरी नहीं है कि दोनों जो इमेजेस हैं हमारी आइडेंटिकल हो, दोनों इमेजेस डिफरेंट हो सकती हैं, लेकिन एक ही टाइम पर फोकस होनी चाहिए हमारे रेटिना पर, तभी जाकर साइमल्टेनियस परसेप्शन होगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं हमारी दूसरी ग्रेड यानी कि फ्यूजन के बारे में, सेकंड ग्रेड ऑफ बाइनोकुलर विजन। तो फ्यूजन मींस क्या होता है, फ्यूज यानी कि जब भी दो कोई चीजों को हम मिला देते हैं तो हम उसको क्या कहते हैं, फ्यूज, और उस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, फ्यूजन, ठीक है। इसी तरीके से हमारे विजन में भी होता है। सपोज हम किसी ऑब्जेक्ट को देखते हैं और दो आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट, हमारे एक हमारा राइट रेटिना को स्टिमुलेट करता है, एक हमारा लेफ्ट रेटिना को स्टिमुलेट करता है, लेकिन उन दोनों ही इमेजेस में अगर कुछ इनकम्प्लीटेंसी होती है, यानी कि एक इमेज में कुछ अधूरा है, दूसरी इमेज भी अधूरी है,
जब हमारी आंखें उन दोनों इमेजेस को एक टाइम पर देखेंगी, एक टाइम पर हमारा रेटिना स्टिमुलेट होगा, तो क्या होगा, एक सिंगल इमेज फॉर्म होगी, एक कंपोजिट पिक्चर फॉर्म होगी, कंप्लीट पिक्चर फॉर्म होगी। जैसे कि हमारे पास ये दूसरी स्लाइड है, ठीक है, ये हमारी स्लाइड है किसकी, फ्यूजन की, ठीक है। अब देखते हैं, ये हमारा एक रैबिट है, इसमें भी एक रैबिट है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इस रैबिट में के हाथ में कोई भी फ्लावर या कुछ कोई भी थिंग नहीं है, वहीं अगर हम इसको देखते हैं तो इसमें फ्लावर है, ठीक है। तो जब हमारा फ्यूजन होगा, जब हमारी दोनों आईज फ्यूज करेंगी, तो हमें एक वन कंप्लीट कंपोजिट पिक्चर दिखेगी। तो इसी को हम कहते हैं फ्यूजन, यानी कि दो आइडेंटिकल इमेजेस जो कि इनकम्प्लीट है कुछ पर्सपेक्टिव में, और उसको हम एक सिंगल इमेज फॉर्म कर रहे हैं हमारी आईज, दैट इज नोन एज द फ्यूजन। अब हम बात करते हैं हमारी थर्ड ग्रेड के बारे में। तो हमारा थर्ड ग्रेड क्या है, स्ट्रियोप्सिस, या फिर जिसको हम डेप्थ परसेप्शन भी कहते हैं। आइए जानते हैं डेप्थ परसेप्शन क्यों कहते हैं। जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट को देखते हैं तो हमारी राइट आई एक डिफरेंट एंगल पे देखती है और लेफ्ट आई जो है वो डिफरेंट एंगल पर देखती है। जब दोनों की इमेज कंपोज होती है तब क्या होता है कि एक सिंगल एंगल बनता है, और दो अलग अलग एंगल्स की वजह से हमें क्या मिलता है, एक 3D व्यू मिलता है, और उसी 3D व्यू के वजह हमें डेप्थ का परसेप्शन होता है, इसीलिए हम इसे डेप्थ परसेप्शन कहते हैं, और इसी को हम स्ट्रियोप्सिस भी कहते हैं। एक डायग्राम की मदद से हम जानते हैं। देखिए, जैसे हमारे पास ये दो स्लाइड्स हैं, ठीक है, इन दो स्लाइड्स में एक स्लाइड का आप देख सकते हैं टुवर्ड्स दिस साइड, एंड दूसरी स्लाइड भी जो है वो एक इस साइड है, यानी कि दोनों ही एंगल्स, यानी कि जो एक इमेज हमारी राइट आई की है, एक इमेज जो है वो हमारी लेफ्ट आई की है, ठीक है। दोनों के ही एंगल्स क्या हैं, अलग अलग डिफरेंट एंगल्स हैं, लेकिन जब इनका कंपोजिशन होगा तो क्या होगा, हमें ये इस तरीके की एक सेंटराइज्ड, एक 3D विद डेप्थ इमेज फॉर्म होगी, और इसी को हम बोलते हैं स्ट्रियोप्सिस, और डेप्थ फॉर्म होने की वजह से इसे हम क्या कहते हैं, डेप्थ परसेप्शन। तो इसी के साथ हमारी तीनों ग्रेड्स फिनिश होती हैं। जो फर्स्ट ग्रेड थी हमारी साइमल्टेनियस परसेप्शन, उसमें क्या हो रहा था, उसमें हमारा सुपर इम्पोजिशन हो रहा था। फ्यूजन में क्या हो रहा था, कंपोजिट पिक्चर यानी कि एक कंप्लीट पिक्चर फॉर्म हो रही थी, और स्ट्रियोप्सिस में हमें डेप्थ का परसेप्शन मिल रहा था, ठीक है। अब हम अपना बायनोकुलर विजन का एक नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, दैट इज साइकोफिजिक्स एंड द सेंसरी एस्पेक्ट्स ऑफ द बायनोकुलर विजन, जिसमें कि हम 6 कंपोनेंट्स के बारे में बात करेंगे, जिसमें कि सबसे पहला है हमारा विजुअल डायरेक्शंस एंड हॉरोप्टर, सेकंड है बायनोकुलर फ्यूजन, थर्ड है डायहॉप्टिक स्टिमुलेशन, फोर्थ है स्ट्रियोप्सिस, फिफ्थ वन है जो है वो हमारा डेप्थ परसेप्शन, एंड लास्ट 6th वन जो है वो है हमारा सेंसरी एंड मोटर अडैप्टेशंस, ठीक है। सबसे पहले हम अपना फर्स्ट एस्पेक्ट की बात करेंगे। तुम्हारा फर्स्ट एस्पेक्ट क्या है, विजुअल डायरेक्शंस एंड हॉरोप्टर। तो इसको स्टार्ट करने से पहले हम कुछ जनरल चीजों के बारे में जान लेते हैं, जैसे कि हमारा विजुअल एक्सिस हो गया, फिजिकल स्पेस और विजुअल स्पेस, ठीक है। जो भी स्पेस हमारे सराउंडिंग में मौजूद है वो हमारा क्या होगा, फिजिकल स्पेस, ओके। और जिस भी एरिया को हम कवर कर पा रहे हैं, जो एरिया हम अपनी दोनों आईज से देख पा रहे हैं, वो हमारा कौन सा एरिया होगा, वो होगा हमारा विजुअल स्पेस, ठीक है। अब हम बात करते हैं विजुअल एक्सिस के बारे में। विजुअल डायरेक्शन जानने से पहले विजुअल एक्सिस जानना बहुत जरूरी है। तो विजुअल एक्सिस क्या होती है, विजुअल एक्सिस एक इमेजिनरी लाइन होती है। जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट पर फोकस करते हैं तो वो पॉइंट ऑफ फोकस से एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ होती है, जो कि हमारे नोडल पॉइंट से क्रॉस होकर हमारे फोबिया को स्टिमुलेट करती है, और उस इमेजिनरी लाइन को हम बोलते हैं विजुअल एक्सिस। डायग्राम में देखते हैं, जैसे कि सपोज हम इस पॉइंट पर फिक्सेट कर रहे हैं, पॉइंट ओ, फिक्सेशन पॉइंट है हमारा पॉइंट ओ, ठीक है। यहां से क्या हुआ, यहां से एक इमेजिनरी लाइन हमने ड्रॉ की, जो कि हमारे नोडल पॉइंट ऑफ आई से क्रॉस होकर किसको स्टिमुलेट कर रही है, हमारे फोबिया को स्टिमुलेट कर रही है, और इसी को हम कहते हैं विजुअल एक्सिस ऑफ द आई, ठीक है। अब हम बात करते हैं विजुअल डायरेक्शंस के बारे में। अब जैसा कि आप इस डायग्राम में देख सकते हैं कि एक पॉइंट ऑफ फिक्सेशन है, वो हमारे फोबिया को स्टिमुलेट कर रही है। नॉर्मली अगर हम देखते हैं, कभी भी हम अगर एक पॉइंट पर फोकस करते हैं
तो ऐसा नहीं है सिर्फ हमें वही इमेज दिखती है, हमें उसके आसपास की इमेजेस भी सीन होती हैं। तो क्यों सीन हो रही है, यहाँ पे तो विजुअल एक्सिस बन रही है, तो वहां जो डायरेक्शंस होंगे उनको हम बोलेंगे विजुअल डायरेक्शंस। लाइक यहाँ देखते हैं हम पॉइंट ओ, तो हमारा फिक्सेशन पॉइंट है, और पी एंड क्यू ये हमारे पॉइंट है जो कि एक अबव फिक्सेशन है और एक बिलो फिक्सेशन है। ये पॉइंट्स भी हमारे रेटना के करस्पॉन्डिंग पॉइंट्स को स्टिमुलेट कर रहे हैं। करस्पॉन्डिंग पॉइंट्स क्या होते हैं, फोबिया के आसपास रेटना का अपना एक खुद का सेंस ऑफ डायरेक्शन होता है और उन्हीं पॉइंट्स को हम बोलते हैं नॉर्मल करस्पॉन्डिंग पॉइंट्स। तो ये दोनों हमारे जो पॉइंट अबव फिक्सेशन है और पॉइंट बिलो फिक्सेशन है, ये हमारे रेटना के करस्पॉन्डिंग पॉइंट्स को क्या कर रहा है, स्टिमुलेट कर रहा है। तो इससे जब ये इमेजिनरी लाइन जा रही है इसको हम बोलेंगे विजुअल डायरेक्शन। ठीक है, अब विजुअल डायरेक्शन जो है वो हमारे टू टाइप्स के होते हैं, एक होता है ऑकुलोसेंट्रिक विजुअल डायरेक्शन और सेकेंड होता है हमारा ईगोसेंट्रिक विजुअल डायरेक्शन। बात करते हैं ऑकुलोसेंट्रिक विजुअल डायरेक्शन के बारे में। तो देखिए ऑकुलोसेंट्रिक विजुअल डायरेक्शन क्या होता है कि जैसे ये पॉइंट अबव फिक्सेशन है, पॉइंट बिलो फिक्सेशन है, इसने हमारे फोबिया के अबव स्टिमुलेशन किया और फोबिया के बिलो नॉन करस्पॉन्डिंग पॉइंट्स को स्टिमुलेट किया। तो ये हमारा क्यू एन बी एंड पी एन ए, ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो गया ऑकुलोसेंट्रिक विजुअल डायरेक्शन। ठीक है, अब बात करते हैं ईगोसेंट्रिक विजुअल डायरेक्शन में। ऑकुलोसेंट्रिक में क्या होता है, फिक्सेशन जो है वो स्टेशनरी रहता है, बट ईगोसेंट्रिक में चेंज होता है। सपोज ये कोई पर्सन है और जो इस ट्री को, इस ऑब्जेक्ट को फोकस कर रहा है, जब इस स्टेशनरी, पेशेंट भी स्टेशनरी एंड दैट ट्री इज ऑल्सो स्टेशनरी, तो क्या है, जब इसको ये फोकस कर रहा है तो ये इसका क्या है, विजुअल डायरेक्शन है, ऑक्लोसेंट्रिक बोल सकते हैं हम इसको। उसके बाद अगर हम वही दूसरी आई में देखें, आई का क्या हुआ, मूवमेंट हुआ, यानी कि जो इंडिविजुअल जो स्टेशनरी था उसने मूवमेंट किया, जब मूवमेंट किया तो विजुअल डायरेक्शन क्या हुआ, चेंज। और यही विजुअल डायरेक्शन जो चेंज हो रहा है फ्रॉम दिस टू दैट, इसको हम बोलेंगे ईगोसेंट्रिक विजुअल डायरेक्शन। ये तो बात होगी जब हमारा नॉर्मल इंडिविजुअल जो है वो हेड को मूव कर रहा है, सपोज ऑब्जेक्ट मूव कर रहा हो, आप हम जब बाहर जाते हैं बहुत सारी व्हीकल्स हमारे सामने से पास होते हैं तो क्या होता है, एक कुछ दूरी तक जाते जाते वो हमें दिखते हैं, तो क्या हो रहा है, हम स्टेशनरी हैं लेकिन हम देख पा रहे हैं उनको, वो हमारे पेरिफेरल विजन से हम उनको देख पा रहे हैं। तो वहाँ जो कंटिन्यू डायरेक्शन चेंज होगा, कंटिन्यू विजुअल डायरेक्शन जो चेंज होगा उसे हम बोलेंगे ईगोसेंट्रिक विजुअल डायरेक्शन। ठीक है, अब हम बात करते हैं हमारा सेकेंड जो है होरोप्टर। ठीक है, तो होरोप्टर क्या होता है, होरोप्टर को हम दूसरा नाम देते हैं होराइजन ऑफ विजन। ठीक है, अब होरोप्टर क्या होता है कि जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट को फोकस कर रहे होते हैं तो वो हमें क्लियरली दिखता है और उसके नियर बाय ऑब्जेक्ट्स भी क्लियरली दिखते हैं। तो यहाँ हम डायग्राम से समझते हैं, तो होरोप्टर क्या है, होरोप्टर जो है हमारा, हम एक थ्योरेटिकली अगर बात करें तो हम एक सर्किल ड्रॉ करते हैं जो कि हमारे पॉइंट ऑफ फिक्सेशन से पास होते हुए हमारे एंट्रेंस ऑफ प्यूपल को क्रॉस करता है, और इस सर्कल पर जो भी पॉइंट्स मौजूद होते हैं वो हमें क्लियरली दिखते हैं। तो हमें क्लियरली क्यों दिखते हैं, फर्स्टली आप देखिए ये क्या है, हमारे रेटना के करस्पॉन्डिंग पॉइंट्स। तो जब ए है, ए ने हमारा इस आई, लेफ्ट आई को ए वन पर स्टिमुलेट किया और यहाँ पर ए टू पर स्टिमुलेट किया। सिमिलरली बी देखिए, बी को बी वन एंड बी टू पर स्टिमुलेट किया, स्टिमुलेशन हुआ हमारे करस्पॉन्डिंग पॉइंट्स का, तो फिर हमें ये इमेज क्लियर की। सेकेंड रीजन जो होता है कि जब पॉइंट ऑफ फिक्सेशन से जो डायरेक्शन आता है उसका एंगल जो एंट्रेंस पीपल के साथ फॉर्म होता है, वही सिमिलर एंगल हमारे दो पॉइंट जो कि होरोप्टर पर मौजूद हैं उनसे भी फॉर्म होता है, और उसी को हम बोलते हैं होरोप्टर। ठीक है, होरोप्टर समझ गए, यानी कि कोई भी सर्किल जिसके अराउंड में कोई भी ऑब्जेक्ट्स लाई करता है हमारे फिक्सेशन पॉइंट के अलावा भी, वो हमें क्लियरली दिख रहा है अगर, तो उसको हम बोलते हैं होरोप्टर। ठीक है, अब इसमें हम बात करते हैं नेक्स्ट जो है हमारा फिजियोलॉजिकल डिप्लोपिया। सपोज इस होरोप्टर के अंदर या इस होरोप्टर के बाहर कोई भी ऑब्जेक्ट लाई करता है तो क्या वो हमें दिखेगा, अगर वो हमें दिखेगा तो फिर वो हमें कैसे दिखेगा। सपोज यहाँ देखिए, इन इमेजेस को हम देखते हैं, इन डायग्राम्स को देखते हैं,
जैसा कि हम देख सकते हैं यहाँ पर, ये क्या है हमारा होरोप्टर, राइट, एंट्रेंस पिपल एंड फिक्सेशन पॉइंट, ये हमारा होरोप्टर है। सपोज ये कोई पॉइंट है ए, ठीक है, ये पॉइंट कहाँ लाई कर रहा है, बिलो द होरोप्टर। जब ये बिलो द होरोप्टर लाई कर रहा है, जब हमारी आई इसको फिक्सेट करेगी, तो देखिए जो ए टू है, जो क्या होगा, जब ये हमारा क्या करेगा, इस आई को यहाँ पर स्टिमुलेट करेगा और हमारी राइट आई को यहाँ स्टिमुलेट करेगा। अब दोनों का स्टिमुलेशन जो है वो डिफरेंट डिफरेंट हो रहा है, तो डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस पर स्टिमुलेशन हो रहा है, और जो हमारी राइट लेफ्ट आई का स्टिमुलेशन है वो कहाँ हो रहा है, राइट पर, और राइट का स्टिमुलेशन लेफ्ट पर। तो दोनों का अलग अलग स्टिमुलेशन होने की वजह से तो डिप्लोपिया हो गया। हम इसी को कहते हैं फिजियोलॉजिकल डिप्लोपिया, यानी किसी पैथोलॉजिकल कंडीशन की वजह से नहीं, नॉर्मल, हर एक नॉर्मल इंडिविजुअल में ये प्रेजेंट होता है, ठीक है। उसके बाद ये देखिए क्रॉस हो रहा है, यानी कि ए टू जो है वो यहाँ फॉर्म हो रहा है और ए वन जो है वो इस साइड, यानी कि जो राइट वाली आई का इमेज किधर फॉर्म हो रही है, लेफ्ट, लेफ्ट की राइट में, और राइट की कहाँ फॉर्म हो रही है, लेफ्ट में। तो ये क्या होता है, ये होता है क्रॉस्ड डिप्लोपिया, ठीक है। उसके बाद दूसरा हम बात करते हैं, दूसरे डायग्राम की बात करते हैं। सिमिलर ये हमारा होरोप्टर है, ये हमारा फिक्सेशन पॉइंट है। अब सपोज कोई ऑब्जेक्ट हमारे अबव द फिक्सेशन पॉइंट है, ठीक है, जब ये ऑब्जेक्ट हमारा अबव द फिक्सेशन पॉइंट है, तो देखिए यहाँ पर भी डिप्लोपिया कॉज होगा, ये फिक्सेशन पॉइंट के बाहर है। अब इस पॉइंट ने स्टिमुलेट किया हमारे रेटना को, यानी कि किस साइड स्टिमुलेट कर रहा है, आप देख सकते हैं टेम्पोरल नेजली, ठीक है, यहाँ पर इस आई को करस्पॉन्डिंग पॉइंट्स को स्टिमुलेट किया और यहाँ पर राइट आई के करस्पॉन्डिंग पॉइंट्स को स्टिमुलेट किया। लेकिन यहाँ पर अभी दोनों आई के अलग अलग स्टिमुलेशन हो रहा है, यानी कि इस जो हमारा लेफ्ट है, लेफ्ट में कहाँ हो रहा है, राइट में, और जो हमारी राइट है वहाँ उसका कहाँ हो रहा है, लेफ्ट में। तो देखिए दोनों का अलग अलग हो रहा है, तो डिप्लोपिया तो कॉज होना ही है। अब इसका जो है इमेज जो है हमारी, जो हमारी लेफ्ट आई से बन रही है वो लेफ्ट साइड में बन रही है, और जो हमारी राइट आई की इमेज है वो कहाँ बन रही है, राइट साइड में। तो इसको हम बोलेंगे अनक्रॉस्ड डिप्लोपिया। तो इसी के साथ हमारा जो पहला एस्पेक्ट है, इट इज विजुअल डायरेक्शन एंड होरोप्टर, वो कंप्लीट होता है। अब हम सेकेंड बात करेंगे, सेकेंड जो है हमारा वो है बाइनोकुलर फ्यूजन, ठीक है। फ्यूजन अभी हमने पढ़ा, यानी कि एक कंपोजिट दो डिसिमिलर आइडेंटिकल से है जिसमें कि इनकम्प्लीटेंसी है, एक कंपोजिट पिक्चर फॉर्म हो रही है, तो उसे हम कहते हैं फ्यूजन, करेक्ट। तो फ्यूजन के बाद भी क्या होता है, दो कंडीशंस क्रिएट होती हैं। जैसे कि होरोप्टर में हमने बात किया, होरोप्टर के या अंदर या बाहर होगा तो डिप्लोपिया होगा, दैट मीन्स क्या नहीं हो रहा है, फ्यूजन, राइट। लेकिन कुछ एरिया ऐसा होता है होरोप्टर के अंदर भी और होरोप्टर के बाहर भी जहां पर फ्यूजन हो सकता है, तो आइए उसी के बारे में हम बात करते हैं। तो वो एरिया क्या है, वो एरिया है जो हमारा, वो है हमारा पैनम्स एरिया। तो हम पैनम्स एरिया समझते हैं इस डायग्राम की मदद से, ठीक है। ये हमारा सपोज पॉइंट ऑफ फिक्सेशन है, ये हमारे दोनों रेटनाज हैं, ये हमारा क्या है, जो मिडिल लाइन है, जो हमारी ये जो मिडिल लाइन है, आप देख सकते हैं कि मिडिल लाइन हमारा शो कर रहा है होरोप्टर को, करेक्ट। अब इसके अगर अबव में, यानी कि कुछ यहां तक या फिर यहां तक अगर कोई भी ऑब्जेक्ट को हम फिक्सेट कर रहे हैं, तो वो ऑब्जेक्ट हमें क्लियर दिखेगा, यानी कि उस ऑब्जेक्ट का क्या दिखेगा, हमें फ्यूजन दिखेगा, ठीक है। उस ऑब्जेक्ट का फ्यूजन दिख रहा है होरोप्टर के बाहर भी और होरोप्टर के अंदर भी। तो ये जो एरिया जहां पर हमें फ्यूजन दिखेगा होरोप्टर के आसपास, इस एरिया को हम बोलते हैं पैनम्स फ्यूजनल एरिया या फिर पैनम्स एरिया, ठीक है। अब इसी में एक पॉइंट और होता है जो कि है हमारा फिक्सेशन डिस्पैरिटी, ठीक है। फिक्सेशन डिस्पैरिटी में क्या होता है कि अभी हमने बात की कि होरोप्टर के अंदर और बाहर हमें डिप्लोपिया कॉज नहीं होगा, जो कि जो एरिया होगा वो हमारा क्या होगा, पैनम्स एरिया, ठीक है। लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें दोनों आईज जो है हमारी क्या कर रही थी, एक साथ फ्यूज कर रही थी, करेक्ट। बट इसमें आप देख सकते हैं, एक तो पॉइंट ऑफ फिक्सेशन पे जो हमारी ये राइट आई है पॉइंट ऑफ फिक्सेशन पे फिक्सेट कर रही है, करेक्ट। लेकिन जो दूसरी आई है, जो हमारी लेफ्ट आई है, वो क्या कर रही है, स्लाइटली डिसेंटर्ड हो रही है। अब देखिए ये स्लाइटली अगर डिसेंटर्ड होगी तो हम क्या सोचेंगे कि इमेज फ्यूज नहीं होगी, राइट। बट इमेज फ्यूज ही फॉर्म होती है बिकॉज वो पैनम्स एरिया के अंदर में है
और स्लाइटली अगर डिस्क्रिमिनेशन होता है, स्लाइटली डिस्टॉर्शन होता है, तो हमारी आईज उसको फ्यूज कर देती हैं। और ये जो कंडीशन होती है इसको हम बोलते हैं फ्यूजनल डिस्पैरिटी। थोड़ा इमेज जो है हमारी वो इसेंट्रिक बनेगी, लाइन इसेंट्रिक रहेगी। सिमिलर अगर ग्लो भी हो सकता है एंड अबव भी हो सकता है। तो ये हो गया हमारा फ्यूजनल डिस्पैरिटी, ठीक है। इसी के साथ जो हमारा सेकेंड सेंसरी आस्पेक्ट था बाइनोकुलर फ्यूजन, वो कंप्लीट होता है। अब हम थर्ड आस्पेक्ट की बात करते हैं। जो हमारा थर्ड आस्पेक्ट है वो है डायऑप्टिक स्टिमुलेशन, ठीक है। डाया मीन्स क्या होता है? टू। ऑप्टिक्स मीन्स ऑब्वियसली हम अपनी आई की बात कर रहे हैं, एंड स्टिमुलेशन यानी कि जब दो ऑप्टिक्स हमारी आई को स्टिमुलेट कर रही हों तो उसे हम बोलते हैं डायऑप्टिक स्टिमुलेशन, ठीक है। अब सपोज हम किसी भी ऑब्जेक्ट को एक टाइम पर किसी ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं। अब राइट आई पर भी एक ऑब्जेक्ट की एक ऑब्जेक्ट फॉल हो रहा है और दूसरी पर भी फॉल हो रहा है, बट वो क्या कर रहा है? हमारे करस्पॉन्डिंग रेटनास को स्टिमुलेट करने की बजाय हमारे नॉन करस्पॉन्डिंग रेटनास को, नॉन करस्पॉन्डिंग पॉइंट्स ऑफ रेटना को क्या कर रहा है? स्टिमुलेट कर रहा है। जब ऐसी कंडीशन होगी तो दो ऑप्टिक्स क्रिएट हो जाएंगी, है ना। जैसे कि आप यहाँ पर भी देख सकते हैं, यहाँ पर देखिए दो ऑप्टिक्स क्रिएट हो रही है, यानी कि राइट आई का लेफ्ट में और लेफ्ट का क्या हो रहा है हमारा राइट में, यानी कि डिफरेंट डिफरेंट क्रिएट हो रही है। जब ऐसी कंडीशन होगी डिफरेंट डिफरेंट यानी कि दो ऑप्टिक्स क्रिएट हो रही है तो इसको हम बोलेंगे डायऑप्टिक स्टिमुलेशन, ठीक है। इसके भी अपने कुछ पॉइंट्स हैं जिसको हम बोलते हैं डेप्थ विथ फ्यूजन, डेप्थ विथ परसेप्शन, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अपने डेप्थ विथ फ्यूजन की, ठीक है। यानी कि जब भी नॉर्मली भी अगर हम देखते हैं तो जब भी फ्यूजन हो रहा होगा तो डेप्थ वो फॉर्म होती ही है, ठीक है। और लेकिन दोनों अलग अलग आईज स्टिमुलेट हो रहे हैं तो इसलिए हम डायऑप्टिक में हमारा ये आता है डेप्थ विद फ्यूजन। सेकंड है हमारा वो है डेप्थ विद डिप्लोपिया, ठीक है। डिप्लोपिया कभी कभी कॉज होता है तो उसके बाद भी फ्यूजन होता है, ठीक है। जब उसके बाद भी फ्यूजन हो रहा होता है तो उसको हम बोलते हैं डेप्थ विद, और डेप्थ हमें दिख रही होती है तो उसको बोलते हैं हम डेप्थ विद फ्यूजन, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट है वो है डिप्लोपिया विदाउट फ्यूजन या फिर फ्यूजन विदाउट डिप्लोपिया, ठीक है, विदाउट डेप्थ। तो इसमें क्या होता है कि सपोज हम किसी ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं, डिप्लोपिया विदाउट डेप्थ है ना, तो किसी ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं और वो ऑब्जेक्ट हमारे दोनों रेटनास के अलग अलग पॉइंट्स को क्या कर रहा है? स्टिमुलेट कर रहा है, ठीक है। जब स्टिमुलेट किया अलग अलग पॉइंट्स पे तो देखिए यहाँ पर क्या क्रिएट हो रहा था? डिप्लोपिया, राइट। तो यहाँ पर डिप्लोपिया क्रिएट करेगा लेकिन ये हमारे पैनम्स एरिया से बाहर जाएगा तो उसकी वजह से क्या नहीं होगा? फ्यूजन। और जब फ्यूजन नहीं होगा जब तो फिर डेप्थ का परसेप्शन हमें नहीं होगा, इसीलिए हम इसको कहते हैं डिप्लोपिया विदाउट डेप्थ, ठीक है। यानी कि दो चीज हमें एक ऑब्जेक्ट की दो इमेजेस दिख रही है, जैसे हमें यहाँ पर दिख रही थी ए की दो इमेजेस A1 and A2, ठीक है। सिमिलर हमें दो इमेजेस दिखेंगी बट क्या होगा? डेप्थ का परसेप्शन इसमें नहीं होगा जस्ट बिकॉज के फ्यूजन नहीं हो रहा है, ठीक है। इसमें एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है, दैट इज रेटिनल रिवेलरी, ठीक है। रेटिनल रिवेलरी मींस क्या होता है? रिवेलरी मींस अगर हम बात करें तो कॉन्फ्लिक्ट, कंफ्यूजन, ठीक है। और रेटिनल की बात करें कि रेटना में कुछ कंफ्यूजन हो रहा है, कुछ कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है। तो सपोज करिए हमने किसी ऑब्जेक्ट को देखा, ठीक है, और दोनों ही ऑब्जेक्ट क्या है? अनआइडेंटिकल है। अब हमारी आई ये कंफ्यूज हो जाएगी कि हम जो हम राइट आई से ऑब्जेक्ट देख रहे हैं उसकी इमेज हमें दिखानी है या फिर जो हम लेफ्ट आई से ऑब्जेक्ट देख रहे हैं उसकी इमेज दिखानी है, और वो सिग्नल्स जो हमारे विजुअल कॉर्टेक्स को भेजने हैं वो भेजने में कंफ्यूजन क्रिएट होगा तो उसको ही हम बोलेंगे रेटिनल रिवेलरी, रेटिनल कंफ्यूजन, यानी कि वहां पर कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो रहा है कि किस आई के सिग्नल्स को भेजना है, कौन सी आई दिखानी है, तो कोई भी फ्यूजन क्रिएट नहीं हो पाएगा वहां पर, तो दैट इज रेटिनल रिवेलरी। अब हम सेकेंड बात करते हैं, तो सेकेंड जो है हमारा वो है सप्रेशन, ठीक है। तो सप्रेशन में क्या होता है? अब भाई रेटिनल रिवेलरी हो रही है, माइंड बहुत कंफ्यूजन में है कि कौन सी इमेज को हमको शो करना है, तो फिर क्या करता है हमारा माइंड जो है, हमारा विजुअल कॉर्टेक्स जो है वो क्या करता है? जो एक आई से इंफॉर्मेशन पास हो रही है, पर्टिकुलर एक आई की इंफॉर्मेशन को पूरी तरह से सप्रेस कर देगा, ठीक है। जब पूरी तरह से सप्रेस हो जाएगा तो फिर दूसरी आई जो है हमारी, उस जो ऑब्जेक्ट को देख रही है, सिर्फ हमें उस आई की इमेज हमें देखने को मिलेगी, तो इसी को हम बोलते हैं सप्रेशन।
ठीक है, एक आई बिल्कुल सप्रेस हो गई, कोई भी उसका इंफॉर्मेशन कुछ भी हमारी आई तक नहीं जा पा रहा है, तो ये हो गया हमारा सप्रेशन। ठीक, अब हम बात करते हैं हमारे फोर्थ एस्पेक्ट के बारे में, जो कि है स्ट्रियोप्सिस। ठीक है, स्ट्रियोप्सिस भी हमने अभी पढ़ा था। स्ट्रियोप्सिस मीन्स क्या होता है, किसी भी ऑब्जेक्ट को जब हम 3D व्यू देख सकते हैं तो वो होता है हमारा स्ट्रियोप्सिस। ठीक है, लेकिन इस स्ट्रियोप्सिस में हम आपको डायग्राम के थ्रू समझाते हैं। सपोज राइट एंड द लेफ्ट आई, कोई भी ऑब्जेक्ट जो कोई हमारे विजुअल स्पेस में मौजूद है, तो ये ऑब्जेक्ट क्या है, ए ऑब्जेक्ट एंड बी, ये दोनों ही एक दूसरे से कुछ दूरी पर रखे हुए हैं। जैसे आप देख सकते हैं इन दोनों के बीच में क्या है, कुछ डिस्टेंस। ठीक है, अब ये डिस्टेंस सिर्फ तब तक मौजूद रहेगी जब तक हम इनको अपनी दोनों ही आंखों से देखेंगे, यानी कि जब तक हमारी बोथ आईज ओपन रहेंगी तब तक हमें इनके बीच का जो डेप्थ का परसेप्शन है, जो 3D व्यू है, जो स्ट्रियोप्सिस है, वो देखने को मिलेगा। जैसे ही हम आई अगर एक आई भी क्लोज कर लेते हैं, ये चेंज हो जाता है। अब कैसे चेंज हो जाता है, यहाँ देखिए, अगर हमने अपनी राइट आई क्लोज की, सॉरी लेफ्ट आई क्लोज की, ठीक है, तो अब हम अगर इस आई से देख रहे हैं, तो जब हम इस आई से देख रहे हैं तो इमेजेस हमें कैसे देखने को मिलेंगी, जो इसकी कंपैरिजन में थोड़ा सा अनक्लोज्ड। ठीक है, जब हम ये वाली आई क्लोज करेंगे तो हम इस आई से देख रहे हैं, जब हम इस आई से देख रहे हैं तो ये दोनों इमेजेस हमें कैसे मिल रही है, साथ साथ। तो आप देख सकते हैं कि दोनों इमेजेस में और जो ऑब्जेक्ट प्रेजेंट है उनके डिफरेंस कितना डिफरेंस है, दोनों की जो डिस्टेंसेस है ऑब्जेक्ट के बीच में, तीनों में ही डिफरेंट डिफरेंट है। जब दोनों आई से देखेंगे तो हमें एक्चुअल मिलेगा, एक्चुअल 3D व्यू मिलेगा, और जब एक आई से क्लोज करके देखेंगे तो वहीं पर क्या होगा, दोनों का सेपरेशन जो है वो चेंज हो जाएगा। अब देखिए चेंज क्यों हो रहा है, अगर हम इस वाली आई की बात करें तो देखिए दोनों ही जो रेज है, यानी कि जो ए से आ रही है, जो विजुअल डायरेक्शन ए से आ रहा है और जो विजुअल डायरेक्शन बी से आ रहा है, तो देखिए दोनों में कितना डिफरेंस है। इन दोनों में डिफरेंस होने की वजह से यहाँ पर जो हमें ऑब्जेक्ट मिल रहा है इन दोनों में भी अकॉर्डिंगली डिफरेंस है, यानी कि जिस तरीके से हमारा रेटना के करस्पॉन्डिंग पॉइंट्स स्टिमुलेट हो रहे हैं उसी अकॉर्डिंग हमें डिस्टेंस दिख रहा है। वहीं हम अगर इस आई की बात करें तो देखिए दोनों जो स्टिमुलेट हो रहे हैं, दैट इज हमारा ए एंड बी, दोनों के जो विजुअल डायरेक्शन हैं वो कैसे हैं, काफी पास, यानी कि जो रेटिनल करस्पॉन्डिंग पॉइंट्स हैं वो काफी पास में स्टिमुलेट हो रहे हैं, राइट। तो जब पास में स्टिमुलेट हो रहे हैं तो दोनों इमेजेस हमें कैसी दिखेंगी, पास पास दिखेंगी। ठीक है, तो हमें समझ में आया कि स्ट्रियोप्सिस सिर्फ तभी तक रहता है जब तक हम दोनों आंखों से देखते हैं। अगर हमने एक भी आई क्लोज कर ली तो जो थिंग्स हैं वो चेंज हो जाती हैं। क्यों? क्योंकि हमारी ये आई एक अलग एंगल से देखती है और हमारी लेफ्ट आई एक अलग एंगल से देखती है, और दोनों ही एंगल को कंपोज करके एक हमें 3D व्यू मिलता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा स्ट्रियोप्सिस। ठीक है, अब बात करते हैं स्टीरियो एक्यूटी के बारे में। ठीक है, एक नॉर्मल डिस्क्रिमिनेशन होता है, यानी कि सपोज ये दो फिंगर्स हैं, हमने बहुत क्लोजली अटैच कर रखी, एक पॉइंट तक ही ऐसा होगा कि हम इन दोनों के बीच में डिस्टेंस को फील कर पाएंगे, परसीव कर पाएंगे। एक टाइम के बाद वो परसीव जो है वो वैनिश हो जाता है, और उसी को हम बोलते हैं स्टीरियो एक्यूटी। ठीक है, जो नॉर्मल जो मिनिमम स्टीरियो एक्यूटी होती है वो 2 to 3 डिग्री ऑफ आर्क फॉर्म करता है, और जो मैक्सिमम होता है वो होता है 25 to 30। ठीक है, ये हमारी मैक्सिमम लिमिट है, और जो हमारा फर्स्ट था वो लोअर लिमिट है, यानी कि यहाँ तक जो है हमारा आई जो है वो डिस्क्रिमिनेट कर सकती है जो 3D परसेप्शन हमें मिल रहा है उसको। ठीक है, उसके बाद जो है हमारा फिफ्थ जो सेंसरी एस्पेक्ट है, तो हमारा जो फिफ्थ सेंसरी एस्पेक्ट है वो है हमारा डेप्थ परसेप्शन। कन्फ्यूजन की नीड नहीं है कि स्ट्रियोप्सिस को ही हम डेप्थ परसेप्शन कह रहे थे, स्ट्रियोप्सिस में हम 3D व्यू देख रहे थे। चीजों का वेरिएशन देखिएगा, स्ट्रियोप्सिस में हम 3D व्यू देख रहे थे और डेप्थ परसेप्शन में हम दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में जो डिस्टेंस है उनके बारे में बात करेंगे, यानी कि दोनों ही ऑब्जेक्ट के बीच में, या फिर जैसे कोई भी हमारे से जिस ऑब्जेक्ट की जो दूरी है वो होगा डेप्थ परसेप्शन। ठीक है, तो डेप्थ का परसेप्शन हम कैसे कर सकते हैं, हम कैसे आइडिया लगा सकते हैं, डेप्थ मीन्स गहराई, ठीक है, और परसेप्शन यानी कि उनकी दूरी का, उनको हम कैसे परसीव कर सकते हैं, तो उसके बारे में बात करेंगे। तो इसमें भी कुछ पॉइंट्स हैं जिनके बारे में हम बात करेंगे, जैसे कि पैरालैटिक मूवमेंट फर्स्ट है हमारा, सेकेंड लीनियर परस्पेक्टिव, थर्ड वन है जो हमारा वो है हमारा
लीनियर पर्सपेक्टिव के बाद में आता है साइज, कॉन्टर ऑफ ओवरले, एंड उसके बाद आता है हमारा डिटरमिनेशन ऑफ द शेप, साइज एंड शेडोज. ठीक है, तो हम फर्स्ट बात करते हैं पैरालिटिक मूवमेंट की. ठीक है, तो पैरालिटिक मूवमेंट में देखिए क्या होता है. सपोज हम इस ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं और अपना हेड को मूव कर रहे हैं, तो जब तक ये फिक्सेशन में रहेगा तब तक क्या होगा, हमें इसमें कोई मूवमेंट नहीं दिखेगा ऑब्जेक्ट में. लेकिन जब हम इसको फिक्सेशन के अबव कर देंगे और फिर इसको हम मूवमेंट करेंगे तो इसमें हमें मूवमेंट दिखेगा. ठीक है, फिक्सेशन के बाहर जाएगा तो इस ऑब्जेक्ट में हमें क्या दिखेगा, मूवमेंट दिखेगा अपना हेड को मूव करने पर. ठीक है, ये हमारा हेड के मूवमेंट के साथ साथ मूव करेगा. ठीक है, वहीं अगर ये फिक्सेशन के अंदर आ जाता है, ठीक है, यानी कि क्लोजर टू द ऑब्जर्वर, जब ये फिक्सेशन के अंदर आ जाता है और उस ड्यूरेशन में हम अपना हेड मूवमेंट करते हैं, तब भी हमें ये जो हमारा ऑब्जेक्ट है ये कैसे दिखेगा, मूव करता हुआ दिखेगा. यही होता है हमारा पैरालिटिक मूवमेंट. ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट जो है हमारा वो है लीनियर पर्सपेक्टिव. आपने कभी भी ऑब्जर्व किया होगा जब आप ट्रेन से ट्रेवल करते हैं, जो ट्रेन की जो रेलवे लाइंस रहती हैं उनमें बीच में जब हम देखते हैं तो एक एंगल्स फॉर्म होते जाते हैं जिससे वो जॉइंट रहती है, हमें एक एंगल फॉर्म, जबकि सेपरेशन है बट हमें वो एक एंगल में दिखता है, वो होता है हमारा लीनियर पर्सपेक्टिव. ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं हमारा कॉन्टोर ऑफ ओवरले. ठीक है, तो कॉन्टोर ऑफ ओवरले में क्या होता है कि सपोज आप इस डायग्राम को देखिएगा अभी. ठीक है, ये डायग्राम जो है हमारा एक ये जब हम इस तरीके से देखेंगे, ये बॉल्स है सपोज जो कि फिक्स्ड है किसी चीज में, तो क्या है कि ये हाइड कर रहा है. ठीक है, लेकिन ये हमारा डेप्थ परसेप्शन है कि हम एक आइडिया लगा सकते हैं कि इसका एक्चुअल साइज क्या होगा. इसी को हम बोलते हैं काउंटर ऑफ ओवरले, और इस तरीके से हम आइडेंटिफाई करते हैं डेप्थ परसेप्शन को. सिमिलर लीनियर पर्सपेक्टिव में बात करें अगर हम, तो जो हमारी रेलवे लाइंस हैं वो हमें पता है कि अलग अलग है, हमें दिख वो भले ही एक एंगल पर रही होती हैं लेकिन वी नो कि उनमें सेपरेशन है, तो दैट इज आवर डेप्थ परसेप्शन. ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं साइज के बारे में. लाइक कोई भी बर्ड जिसको हम नोन, हम जिसे जानते हैं कि इसका शेप, साइज और स्ट्रक्चर क्या है, वो अगर स्काई में फ्लो कर रही होती है तो फिर क्या होता है, भले ही वो कितना भी डिस्टेंस पे हो हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं, और उसका साइज देखकर, लाइक पास होगी तो थोड़ा हमें बिगर साइज दिखेगा, दूर जाती जाएगी तो वो साइज जो है वो हमारा धीरे 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 क्या होता जाएगा, स्मॉलर साइज होता चला जाएगा. राइट, तो हम जब स्काई में देखते हैं हम उसकी साइज को देखकर आइडिया लगा सकते हैं कि ये हमसे कितनी दूरी पर है. तो यहाँ देखिए हम जो ऑब्जर्वर है उसके और ऑब्जेक्ट के बीच में दूरी की बात कर रहे हैं, तो इसको हम बोलते हैं डेप्थ परसेप्शन. और हम उसके साइज को देख के, उस बर्ड के साइज को देख के आइडिया लगा सकते हैं कि उसके और हमारे बीच में कितनी दूरी है, क्योंकि साइज छोटा है तो उस अकॉर्डिंग हमने आइडिया लगा लिया. उसके बाद हम बात करते हैं शेडो की, यानी कि शेडो से हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं डेप्थ परसेप्शन पे. सपोज हम किसी अगर वेल की बात करते हैं, ठीक है, तो वेल में क्या होता है, जब सनलाइट पड़ती है तो शेडो क्रिएट होती है वेल की, यानी कि एक आपको डार्केस्ट, जो दो वॉल्स होती हैं, एक डार्केस्ट शो होगी और एक थोड़ी लाइट शो होगी. तो आप बता सकते हैं उसको, उस शेडो को देखकर ही आइडिया लगा सकते हैं कि जो कुएं की जो डेप्थ है, कुएं की जो चौड़ाई है वो कितनी है. ठीक है, तो ये होता है हमारा डेप्थ परसेप्शन. ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं जो कि हमारा लास्ट है, वो है अडाप्टेशन ऑफ सेंसरी एंड मोटर आस्पेक्ट्स. ठीक है, तो अगर हम बात करें मोटर आस्पेक्ट्स के बारे में, तो मोटर आस्पेक्ट्स में क्या होता है कि हम अपनी आई को जब किसी ऑब्जेक्ट पर फोकस रखना चाहते हैं और उसके लिए हम अपने हेड का एडजस्टमेंट करते हैं, आई का एडजस्टमेंट करते हैं, तो वो होता है हमारा मोटर अडाप्टेशन. ठीक है, मोटर सेंसरी अडाप्टेशन, मोटर हम उस ऑब्जेक्ट को देखने के लिए अपने एनाटॉमिकल पोजीशंस में एडजस्टमेंट कर रहे हैं. ठीक है, अब बात करते हैं अगर हम सेंसरी की, तो सेंसरी जब हम भले ही किसी ऑब्जेक्ट को देखते देखते मूव कर रहे हैं लेकिन हमारा फोकस उसकी तरफ है. क्यों? क्योंकि हमारे रेटिनल में, हमारी आई में ऐसा एडजस्टमेंट हो रहा है कि हमें उस ही फोकस, उसी पॉइंट को हमें देखना है, वो हमारा होता है सेंसरी एस्पेक्ट. इसी के साथ हमारा आज का टॉपिक यहाँ फिनिश होता है. आशा करते हैं आपको हमारा ये सेशन पसंद आया होगा. इसी तरह की और भी इंफॉर्मेटिव और ट्यूटोरियल वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें. धन्यवाद.